हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। इसमें अपन पढ़ेंगे सीमेंट की डेफिनेशन, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, टाइप ऑफ ग्रेड, टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनने के दौरान कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, सीमेंट की सेटिंग कैसे होती है और सीमेंट के फ्लक्स क्या हैं, फ्लक्स इंग्रेडिएंट तथा उनके फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट एक पाउडर्ड मटेरियल है जिसको पानी के साथ मिक्स करने पर यह शुरुआत में प्लास्टिक की तरह फ्लो करता है तथा कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद यह एक कठोर अवस्था, रिजिड अवस्था में आ जाती है तथा सीमेंट की स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, टाइम के साथ इम्प्रूव होती रहती है और 28 दिन में वह अपनी पूर्ण स्ट्रेंथ में आ जाती है। सीमेंट का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फिक्स केमिकल फॉर्मूला नहीं है सीमेंट का, बल्कि यह CaO, Al2O3 और SiO2 का मिश्रण होता है, उनका कॉम्पोजिशन घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। मोस्ट कॉमन सीमेंट इज पोर्टलैंड सीमेंट। आपने नाम सुना होगा पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। इसको पोर्टलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जब ये खोजी गई थी, इसका जब डिस्कवर की गई थी तो उस जगह का नाम था पोर्टलैंड, इसलिए इसको नाम दे दिया पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये आपको टेबल के द्वारा समझा गया है पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एलुमिना और हाइड्रोलिक और हाइड्रेटेड लाइम के बारे में, कि उनके कोड क्या हैं, उनमें केमिकल फॉर्मूला क्या क्या है और किस टाइप की सीमेंट उसको बोला जाता है, केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको टाइप ऑफ सीमेंट बोला गया है। जैसे पोर्टलैंड सीमेंट में पहला है C2S। C2S मतलब, C2S समझो आप, इसको दो मॉलिक्यूल हैं किसके, CaO के, और एक है SiO2 का, तो इसलिए बोल दिया इसको C2S और नाम दे दिया इसको सिलिकेट। इसी प्रकार बाकी नाम दे दिया C3S, तो तीन हो गए SCaO और एक हो गया SiO2 और नाम उसका सिलिकेट ही है, क्योंकि CaO तो सब में कॉमन है, इसलिए CaO के अलावा जो कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाएगा। CaO SiO2 की जगह Al2O3 है तो एलुमिनेट नाम हो जाता, क्योंकि CaO तो सब में कॉमन आ रहा है। इसी प्रकार हाई एलुमिना, इसमें C3S है, वही तीन CaO और एक Al2O3, नाम दे दिया एलुमिनेट। बाकी आप देख लो, उसी प्रकार सारा सिमिलर है। हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम में क्या है, C2S है, C3S है और CaOS2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOS2। तो ये हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, कौन कौन सी सीमेंट है, पोर्टलैंड, हाई एलुमिना और हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड लाइम। अब आता अपना टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट, किस टाइप की सीमेंट होती है और उसकी ग्रेड क्या क्या होती है। सीमेंट के टाइप तथा ग्रेड, सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रतिशत क्या, किस परसेंटेज में उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, रेट ऑफ सेटिंग कितनी है, हीट इवोल्यूशन तथा स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करते हैं। तो सीमेंट की ग्रेड और टाइप किस बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे, ये जो सारे देख रहे हैं, सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रतिशत एक्सेट्रा, ये जो अभी देखेगा। आगे है टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो ग्रेड और टाइप दो प्रकार के हैं, उसमें सबसे पहले देखेंगे टाइप। पोर्टलैंड सीमेंट के टाइप, पोर्टलैंड सीमेंट पांच प्रकार की होती है, रेगुलर, मॉडिफाइड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ, लो हीट और सल्फेट रेजिस्टेंट। सल्फेट रेजिस्टेंट, तो सबसे पहले है टाइप फर्स्ट, इसको बोलते हैं रेगुलर। इसमें क्या होता है, 40-60% C3S, 10-30% C2S, CA2S, CA2 बोल एस बोल दो या C2S बोल दो, 7-13% C3S, C3A। यह 28 दिन में फुल स्ट्रेंथ में हार्ड हो जाती है। इसको फुल स्ट्रेंथ पाने में कितना टाइम लगता है, 28 दिन, इसको बोलते हैं रेगुलर सीमेंट। दूसरी है मॉडिफाइड, इसमें C2S अपॉन C3S रेशियो हाई रहता है, इस रेशियो को थोड़ा हाई कर दिया जाता है। तीसरा है मतलब इसको मॉडिफाइड कर दिया, सेकेंड जो है टाइप टू, इसको इस रेशियो को बढ़ा के थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, इसलिए इसको मॉडिफाई बोल दिया, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रेगुलर की तरह ही रहते हैं इसमें भी। अब आता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ, इस प्रकार की सीमेंट टाइप फर्स्ट जैसी स्ट्रेंथ 3 दिन में ही पा लेती है, इसलिए इसको हाई यील्ड जल्दी, मतलब टाइप फर्स्ट वाली 28 दिन में पाती है और ये जो उसी स्ट्रेंथ को 3 दिन में पा लेती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ। चौथी टाइप की है लो हीट, इसमें ये जो रेशियो रहता है C3S अपॉन C2S का, ये लो रहता है, कम रहता है। फिर है सल्फेट रेजिस्टेंट, गुड फॉर सी वाटर,
गुड फॉर सीवेट, जो फिफ्थ प्रकार की सीमेंट है उसको वो रहती है गुड फॉर सी वॉटर। अगर समुद्र में कुछ पुल वगैरह बनाने हैं तो इस प्रकार की सीमेंट को काम में लेंगे अपन। ये हो गया पोर्टलैंड सीमेंट के टाइप। अब है हाई एलुमिना, इसे लाइम स्टोन तथा बॉक्साइट से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, लाइम स्टोन तथा बॉक्साइट के मिक्सचर से इसको बनाया जाता है हाई एलुमिना को। फिर है पोजोलोना, मिक्सर ऑफ वोल्केनिक आयस। वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी, जो जो लावा निकलता है, लावा जमने के बाद जो एस निकलती है उसकी एस बनती है उसको बोलते हैं वोल्केनिक आस। मिक्सर ऑफ वोल्केनिक आस, बर्नड क्ले और सेल। बर्नड क्ले, बर्नड मतलब जला हुआ, क्ले मतलब मिट्टी उस टाइप की। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम जैसे अभी पीछे देखा था अपन ने, इस टेबल में सबसे नीचे वाला हाइड्रोलिक लाइम, उसको ब्रिक्स अर्थात ईंटें बनाने में काम में लिया जाता है। पांचवा है मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड, यह होता है MgO तथा MgCl2 का मिक्सर से बनाई जाती है। MgO तथा MgCl2 के मिक्सर से इसको बनाया जाता है। ये सारे हो गए अपने टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब आते हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट पे। एक ग्रेड ऑफ सीमेंट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जितनी अच्छी ग्रेड होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी। सीमेंट की ग्रेड को मेगा पास्कल या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। सीमेंट की ग्रेड को मेगा पास्कल में। सीमेंट स्ट्रेंथ इज यूजुअली मेजर्ड आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग फ्रॉम ए स्टर्ड क्यूब। तो सीमेंट की स्ट्रेंथ को कैसे नापेंगे अपन, 28 दिन के बाद में। अब आती है ग्रेड ऑफ सीमेंट, OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। OPC मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसकी मुख्यतः तीन ग्रेड होती हैं, OPC 33, OPC 43 और OPC 53। आजकल क्या 33 ऑलमोस्ट लगभग बंद हो गया है, 33 जो प्रोडक्शन करती है कंपनी वो ऑलमोस्ट बंद कर दी। लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है कि OPC ग्रेड तीन प्रकार की होती हैं, 33, 43 और 53। 10-10 का डिफरेंस है, 33, 43 और 53। फिर है PPC ग्रेड। PPC मीन्स पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड को और पोजोलाना को मिक्स कर दिया। फिर है PSC ग्रेड, PSC मीन्स पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। फिर है सुपर ग्रेड, सुपर ग्रेड सीमेंट कंटेन्स हाई स्ट्रेंथ। सुपर नाम से लग रहा है, सुपर उसकी ग्रेड बहुत अच्छी है। ये होगी अपने ग्रेड ऑफ सीमेंट। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। लाइम से सीमेंट बनाने के दौरान किलन, जो सीमेंट इंडस्ट्री का मेन पार्ट है किलन भट्टी, उसमें निम्न केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला है CaCO3 किस में टूटता है, CaO में, और वहाँ से गैस निकलती है CO2, और वहाँ टेम्परेचर लगभग होता है 1000 डिग्री के आसपास। CaCO3 को बोलते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन किस में जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO में टूटता है। अब ये जो CaO आया है इससे रिएक्शन होती है Al2O3 की, SiO2 की। फिर इसके बाद में मिक्सर बनता है C2S, C3S, C3A इनका। नीचे रिएक्शन दिखाई गई, दो मॉलिक्यूल CaO के प्लस SiO2 का 1 मोल, तो क्या बनेगा, C2S। इसी प्रकार बाकी अन्य दिखाए गए, जितने मॉलिक्यूल CaO के जितने मॉलिक्यूल उतने उसका नाम दे दिया जाएगा। जैसे 3 CaO प्लस 1 Al2O3 है, तो नाम दे दिया इसको C3A। डन। ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें किलन में, सारी रिएक्शंस होंगी किलन में। अब है सेटिंग ऑफ सीमेंट। मिक्स्ड सीमेंट, मिक्स्ड मतलब सीमेंट प्लस ग्रेवल प्लस पानी, जो घरों में अपन बनाते हैं जब, तो उसमें क्या मिक्स करते हैं, सीमेंट प्लस ग्रेवल और पानी को फ्लूड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आने के प्रोसेस को सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। जब अपन घर बनाते हैं तो जब सीमेंट लगाते हैं उस अवस्था से लेकर जब फुल स्ट्रेंथ पा लेती है तो उस बीच के टाइम को कहते हैं सीमेंट का सेटिंग ऑफ सीमेंट, तथा इस प्रोसेस में लगे टाइम को टाइम ऑफ सेटिंग कहते हैं। कितना टाइम लगा सेटल होने में, पूरी स्ट्रेंथ पाने में, इसको कहते हैं टाइम ऑफ सेटिंग। सेटिंग टाइम कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे सीमेंट कंपोजिशन, सीमेंट फिटनेस,
रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड द एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट मतलब बाहर का वातावरण का तापमान कितना है। सीमेंट का सेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए निम्न अपैरेटस यूज किए जाते हैं। सीमेंट का सेटिंग टाइम कितना टाइम लगाएगी सीमेंट फुल स्ट्रेंथ पाने में, इसके लिए निम्न प्रकार के, ये दो प्रकार के अपने को अपैरेटस दिए गए हैं, विकेट अपैरेटस और गिलमोर अपैरेटस। सीमेंट का सेटिंग टाइम सीमेंट में उपस्थित जिप्सम की मात्रा पर भी निर्भर करता है कि जिप्सम सीमेंट में कितना प्रतिशत जिप्सम है, उसके बेसिस पर भी सीमेंट का सेटिंग टाइम डिपेंड करता है। सीमेंट की सेटिंग के दो स्टेप होते हैं, इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग, दो स्टेप में उसको बांटा गया है, इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग। अब आते हैं अपन फ्लक्स इंग्रेडिएंट एंड डियर फंक्शन में, कौन कौन से फ्लक्स अपन सीमेंट के दौरान सीमेंट में मिलाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, उनका क्या काम है। सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए उसमें रिटार्डर मिलाए जाते हैं जिन्हें फ्लक्स भी कहा जाता है। सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए उसमें रिटार्डर, तो उसको सेटिंग टाइम को कम कर देंगे, सेटिंग टाइम को बढ़ा देंगे, सॉरी, इन्हें क्या आपको बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 तथा जिप्सम CaSO4.2H2O प्रमुख रिटार्डिंग सब्सटेंस हैं जिसके द्वारा सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाया जाता है। इन फ्लक्स की मात्रा सीमेंट में 2 से 4% तक होती है, कितनी होती है, 2 से 4%। फ्लक्स इंग्रेडिएंट में कुछ मात्रा में मैग्नीशियम के कंपाउंड भी डाले जाते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ दीज फ्लक्स, अब ये जो फ्लक्स मिला है अपन ने, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ाना, जो सबसे पहले अपन देखा सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ाना। टू कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की सेटिंग को कंट्रोल करना। सीमेंट की शेप में आवश्यकता अनुसार, सीमेंट की शेप को आवश्यकता अनुसार बनाने में सहायक। सीमेंट तथा वाटर के रिएक्शन को स्लो करना, अर्थात उसका सेटिंग टाइम बढ़ा दिया। फ्लक्स के कारण ही जब सीमेंट सूखती है तो उसमें दरारें नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि उसने सेटिंग टाइम बढ़ा दिया। अगर सेटिंग जल्दी हो जाती तो उसमें दरार पड़ जाती, इसलिए अपन फ्लक्स उसमें मिलाते हैं। फंक्शन ऑफ सीमेंट इंग्रेडिएंट, अब इन इन तीन ऊपर जो देखे उसके अलावा भी उसमें इंग्रेडिएंट है, उनका क्या 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 फंक्शन है। सिलिका, सिलिका क्या करती है, सिलिका सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करती है। इसकी मात्रा डाई ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाने में यूज होती है। सीमेंट क्या, सिलिका क्या करेगी, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। अब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यह सीमेंट को जल्दी सेटल होने में सहायता करता है तथा किलन में क्लिंकर बनाने के तापक्रम को भी कम करता है। क्लिंकर कहाँ बनेंगे, किलन में, तो वहाँ भी कम टेम्परेचर पे ही क्लिंकर बन जाएंगे। इसकी अधिक मात्रा होने पर यह सीमेंट के गुणों को वीक करता है तथा इसमें बने इससे बने कंपाउंड वाटर के साथ शीघ्र प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये था अपना सीमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट के बारे में। थैंक यू।